एक आदमी कहीं पानी बिजली की सुविधा ले रहा है पिछले 40-50 साल से, और आप उसे अवैध बता रहे हो प्रॉपर्टी को, कब तक आप गरीब लोगों पर बिल्डोजर चलाओगे? शर्म आनी चाहिए सरकार। कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पता है क्या होता है, किसानों की जमीनें हड़प ली जाती है। जब जमीन का टुकड़ा ही नहीं बचेगा तो MSP का करोगे क्या? जब अखिलेश जी की सरकार आएगी तो उसके अंदर आदिवासी पिछड़े दलित युवाओं का सबका सम्मान होगा और इस देश की बेटियों का भी सम्मान होगा। भैया ड्रामा करने में पहला नंबर केजरीवाल, दूसरा नंबर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव गुंडागर्दी गुंडा राज है उसका, अपना गुंडा राज दिखाता है ना वहाँ पे। हाँ तो इसलिए योगी महाराज आएंगे तो अपना आप सीधा कर देंगे। आपको अखिलेश यादव जी का पता होगा कि अभी उनको लखनऊ में इजाजत नहीं दी गई जब जयप्रकाश नारायण जी की उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। मूर्ति सील तो करी लेकिन JPNC जो है वहाँ पे उन्होंने सील भी कर दिया। JPNIC यूपी के अंदर इस टाइम राजनीति उस तरह की चल रही है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुद्दा बने जिससे देश का माहौल खराब हो। अब आप ये बताइए आपको उस मूर्ति से क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज, जब आप दर्शन तक नहीं करने दे रहे हो और वो भी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को, क्या आप भूल गए कि लोकसभा चुनाव के अंदर आपका क्या हाल करा था जनता ने? इन्हीं बातों की वजह से आप सरकार अगर चला रहे हो तो कायदे कानून से चलाओ, संविधान के हक से चलाओ, सब धर्मों का सम्मान करो। ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं की बात करो जो आपकी पार्टी के नेता हैं। लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, ठीक है, अब अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनके घर के बाहर पुलिस बहुत काफी तादाद में खड़ी हुई है बैरिकेडिंग लगा के। आपको जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है, ठीक है, एक ना एक दिन तानाशाही इस देश से खत्म होगी और वो लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं उनका घमंड टूटेगा। ये वक्त बदलेगा और जब वो वक्त आएगा तो मैं कह रहा हूँ जुल्म वो करो जो सह सको, क्योंकि आने वाला समय बड़ा बलवान होता है। जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार यूपी की आवाज़ उठाते हैं वो सड़क से लेकर संसद तक, और आज एक एक उनका कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है यूपी की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, और लगातार वो चाहते हैं कि यूपी को विकास की धाराओं में बहा जाए, लेकिन उल्टा वो कर रहे हैं। योगी जी इस चीज़ पर बात क्यों नहीं करते कि भाई हमने स्वास्थ्य लेवल में यूपी को यहाँ पहुँचा दिया? आज यूपी के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, यूपी के अंदर युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है लगातार, यूपी के अंदर दलितों के साथ अपमान हो रहा है और वो होता आ रहा है जी। लेकिन अब जिस तरीके से 2016 में वो केंद्र बन के खड़ा हो गया, 813 करोड़ रुपए वो बनाया गया, क्या जो केंद्र है NIPC वो 813 करोड़ का वो बना, उसमें वहाँ की जनता का खून पैसा लगा, उनकी कमाई से वो केंद्र बन के वहाँ खड़ा हुआ, तो क्या अभी अपमान नहीं है उस जनता का जिन्होंने अपने खून कमाई के पसीने से बना के वो केंद्र बना? और अब वही के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया है, बस उनका एक ही इच्छा थी कि वहाँ पे जाके वो उस मूर्ति पे वो उनको फूल अर्पित करनी थी, श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, पिछली बार भी उनको नहीं जाने दिया था। अब आप एक चीज देखिए, देश के पूर्व मुख्यमंत्री की ये हालत है तो आम नागरिक की क्या हालत होगी? भाई आप जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने दे रहे हो उनकी समाधि पर, तो बड़े शर्म की बात है। योगी जी को सोचना चाहिए आपकी पुलिस क्या कर रही है। भाई आप एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसा आदेश दे रहे हो जेल में डालने का, मैं तो कहना चाहता हूँ दाग नहीं है एक अखिलेश यादव के ऊपर, बड़े बड़े लीडरों में उनका नाम आता है जो देश के लिए सेवा करते हैं। और लेकिन जब मोहित खान वाला केस आया तो उसमें तो पूरी सभा चुप बैठी थी। देखिए मोहित खान का फैसला आया था बात हो गया, DNA में कहाँ आया उनका नाम बताइए? उसका नाम आया जो उनके यहाँ वर्कर था पप्पू, आया नहीं आया तो साफ हो गया ना, बदनाम करने का काम किया गया था ना मोहित खान को, आपने उनकी बेकरी तोड़ी। जब तक आपको ये नहीं दिखा कि हाँ जी इनके ऊपर जाँच हमने कराई है आरोप तय हो गया है, उससे पहले आप किसकी प्रॉपर्टी क्यों तोड़ सकते हैं? आज मोइन खान कहाँ हैं? और मैं तो सवाल कर रहा हूँ सरकार से, आप बताइए आपने उनकी क्यों तोड़ी बेकरी? क्या ये अवैध था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि आप ऐसे किसी परिवार की छत नहीं उजाड़ सकते? आप मुझे अवैध क्या होता है और इल्लीगल क्या होता है? एक आदमी कहीं पानी बिजली की सुविधा ले रहा है पिछले 40-50 साल से और आप उसे अवैध बता रहे हो प्रॉपर्टी को, कब तक आप गरीब लोगों पर बिल्डोजर चलाओगे? शर्म आनी चाहिए सरकार को। लगातार सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर टिप्पणी करता है और इन्हें आदेश देता है कि आप बिल्डोजर की कार्यवाही गलत तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन बाबा को क्या मजा आता बिल्डोजर चलाने में? क्यों गरीब लोगों के आशियाने उजाड़ने में उन्हें मजा आ रहा है?
क्योंकि जिसका कोई वर्चस्व नहीं है भाई, जिसका घर परिवार नहीं है वो तो चाहेगा ही दूसरों का घर परिवार उजाड़े। जिगरा होना चाहिए ना उनका, उनका ऐसा कहना है बुलडोजर चलाने के लिए। नहीं, जिगरा दिखा रहे हो आप तो कामयाबी में दिखाओ ना जिगरा। जिगरा दिखाना है तो युवाओं को रोजगार देने में दिखाओ जिगरा। स्वास्थ्य लेवल अच्छा करो, यूपी के अंदर हॉस्पिटल बनाओ, जब देखें हम तुम्हारा जिगरा। गरीब का आशियाना उजाड़ दोगे और जिगरा बताओगे? अखिलेश यादव ने क्या कहा था, सरकार बदलते ही सारे बिल्डोजरों का रुख न्यू मोड़ दिया जाएगा गोरखपुर की तरफ। लेकिन मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो किसी भी पार्टी में हो। हम देश को संविधान से चलाएंगे और जब अखिलेश जी की सरकार आएगी तो उसके अंदर आदिवासी, पिछड़े, दलित, युवाओं का सबका सम्मान होगा और इस देश की बेटियों का भी सम्मान होगा। जिस तरह आज वो दरिंदे, वो रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते, यूपी में बाबाओं का एक अलग ही जमावड़ा चल रहा है, अलग ही खेल चल रहा है बाबाओं का। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से आपने महिलाओं की सुरक्षा का बात उठाया, उन्होंने कहा कि योगी जी ने तो डंकी की चोट पे कहा था कि कोई छेड़ा छाड़ी महिलाओं के साथ हमारी बहन बेटी करेगा, अगले चरण पर नाम नाम सत्र करेंगे। अभी दलित बिटिया के साथ क्या हुआ, उसका क्यों नाम नाम सत्र नहीं हुआ बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपराध खत्म करना चाहते हैं, देखिए किसी आदमी ने कहा शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। आप अपराध खत्म करो, अपराध कैसे खत्म होगा, अगर आप धर्म का चश्मा उतार कर और ये देखोगे कि ये अपराधी चाहे किसी भी मजहब किसी जाति से आता है और ये अपराधी, हम इसे सजा दिलाएंगे। 12 लोग पकड़े जाते हैं, आप दो आदमियों का नाम बताते हो, आप एक मुसलमान का नाम एक यादव का नाम लेते हो, उसके अंदर ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे और भी लोग, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो कहीं ना कहीं मैडम इस चीज की राजनीति उत्तर प्रदेश को खराब करने की चली जा रही है। विपक्ष कहता है कि भाजपा माइनॉरिटीज को ज्यादा पसंद नहीं करती है, वो हिंदू मुस्लिम कराती है, तो आप कैसे नजर आते आते हैं? देश को माइनॉरिटी से सजाया जाता है, इस देश की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी जिंदा है। लेकिन अगर माइनॉरिटी को साथ लेकर नहीं चलोगे तो कहीं आपकी नहीं चलेगी। जब आपने संविधान बदलने की बात करी तो जनता ने दिखाया ना यूपी में क्या हाल हुआ आपका। आप तो 80 सीटों का दावा कर रहे थे, आप कहाँ आके रुक गए? तो कहीं ना कहीं मैडम ये फैक्ट है। और आने वाले समय में यूपी के अंदर जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। दिल्ली में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, खैर 27 साल से तो आई नहीं है खैर भाजपा दिल्ली में। दिल्ली के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को ये देखना होगा कि आप एक वोट कटवा साबित ना होकर जनता के हित की बात करो। आपने 2012 में जो जनलोकपाल बिल दिल्ली के लिए लेकर आए थे, उन मुद्दों को छोड़कर आप बात करते हो दूसरी। आप हरियाणा गए चुनाव लड़ने, क्या जरूरत थी आपको? फिर आप 90 सीटों पर चुनाव, आपने विनेशा फोगाट जिसके लिए पूरा देश जिसके सम्मान में खड़ा था, आपने उसके लिए भी प्रत्याशी उतार दिया, उसे भी हराने की साजिश। 5 सीटें ऐसी रही मैडम जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया। 25 वोट, 1500 वोट का मार्जिन बता रहा हूँ मैं आपको। 18 विधायक ऐसे जीते हैं जो 3000 के इर्द गिर्द मार्जिन में जीते हैं। आम आदमी पार्टी वोट कटवा साबित हो गई और जो बागी थे वो वोट कटवा साबित हो गए। बताइए अब लग रहा है आतिशी को या केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। अब एक चीज देखिए ना, आतिशी जी 18 ओवर फेंक चुके हैं, 2 ओवर बचे हैं, अब वो आतिशी जी कितनी आतिशी पारी खेलती हैं ये तो देखना होगा दिल्ली की जनता को। उनका तो महल भी सीज कर दिया गया सीएम हाउस, सामान फेंक दिया बाहर। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी का कहना है जब मथुरा रोड वाला बंगला उनको ऑथराइज्ड है, पीडब्ल्यूडी का कहना है जब उनको मथुरा रोड वाला बंगला ऑथराइज्ड है तो उस वाले बंगले में क्यों गई है? जब वो ऑथराइज करेंगे तब वो वहां जाती। देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिमागी बुद्धि खत्म हो चुकी है, इन्हें सोचने समझने की जरूरत है ये किस लह पर और किस लाइन में भाग रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो काम शीला जी ने करा था वो आज तक दिल्ली वासी उसकी तैयारी देख रहे हैं और हम तो देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी दिल्ली में। मतलब ना बीजेपी आएगी ना आम आदमी पार्टी आएगी। भैया ड्रामा करने में पहला नंबर केजरीवाल, दूसरा नंबर अखिलेश यादव। ड्रामा करवाना तो या तो केजरीवाल के पास जाओ या अखिलेश यादव के पास जाओ। कपिल शर्मा के बाद किसका नाम आता है भैया? केजरीवाल जी का ही तो आता है या अखिलेश यादव का आता है? भैया ड्रामा देखना हो, राजनीतिक ड्रामा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजनीति ड्रामे की, तो राजनीति ड्रामे में हमारे दो महान नेता बड़े महान है, एक तो केजरीवाल साहब, दूसरा अखिलेश यादव साहब। अखिलेश यादव जी घबरा गए हैं,
घबरा गए हैं उनके नेताओं के कुकर्म से, अपने नेताओं के कुकर्म से, अपने गली गली के इन्होंने जो गुंडे पाल रखे हैं उससे घबरा गए हैं। जनता ने देख लिया, जनता ने समझ लिया। और मैडम 10 साल से भाजपा की सरकार थी हरियाणा में, अखिलेश यादव जी गठबंधन के साथी थे, गठबंधन के साथी 10 साल से भाजपा की सरकार, गठबंधन इनका, फिर भी ये लोग सत्ता नहीं पा पाए 10 साल की सरकार को हरा नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में 27 सालों से भी भाजपा कमल नहीं खिला पाई दिल्ली में, वो 27 सालों का वनवास खत्म नहीं हो रहा है भाजपा का। वही तो कह रहे, दिल्ली में वनवास क्या, पूरी वनवास खत्म होने की तैयारी हो गई। अब दिल्ली नहीं चाहती, पहले 15 साल इन लोगों ने लूटा कांग्रेस वालों ने, फिर 10 साल इन लोगों ने लूटा, अब मिलकर लूटने का प्लान था, अब नहीं चाहती, अब धोखे में नहीं आना चाहती। 2014 2019 2024 हर बार दिल्ली ने चोट पर चोट करने का काम किया, इस बार तो मैडम करारा प्रहार करने का काम, जेल का जवाब बोर्ड से देने का की बात हुई थी। जनता, केजरीवाल जी ने कहा था अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हो तो कमल का बटन दबा देना, दिल्ली की जनता ने ठीक वैसा ही किया, कमल का बटन जोर से दबाया और अगले ही दिन केजरीवाल जी सीधे तिहाड़ में पहुंच गए थे। याद है ना, जब वो बेल पर बाहर आए, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, हरियाणा के चुनाव में घूमा, उन्होंने कहा मैं तो हरियाणा का लाल हूँ जी, हरियाणा का लाल हूँ, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम हिस्सा निभाएगी। मैडम 87 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, 87, जहाँ हरियाणा में केजरीवाल जी का जन्म स्थान है उस हरियाणा की बात कर रहा हूँ, 87 कैंडिडेट का जमानत जब्त करने का काम हरियाणा ने किया है। अब जाकर देखिए हरियाणा ने, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के किसानों ने, अपने खेत बचाने के लिए, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए मतदान किया। लेकिन किसान ही आके बोलते कि एमएसपी की गारंटी नहीं देते। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, उसी किसान की बात करिए ना, जहाँ भाजपा की सरकार होती है, वहाँ एमएसपी के ऊपर किसान इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी अपने खेतों में, उनके भारतीय जनता पार्टी के राज में फसलें लहलहाती है। सुन लो, एक मिनट रुको, पहले, अरे यार ऐसे नहीं, अपनी बात में, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान जहाँ खेती करते हैं उनको पता है, वो निश्चिंत रहते हैं। सुन लो भैया, हमें प्रॉपर पैसा मिल रहा है, सुन लो, भारतीय जनता पार्टी के राज में जहाँ खेती करते हैं उनको पता है हमारी जमीनी छुड़ाई जाएगी, किसान मस्त होके खेती करते हैं। लेकिन कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पता है क्या होता है, किसानों की ज़मीनें हड़प ली जाती है। जब जमीन का टुकड़ा ही नहीं बचेगा तो एमएसपी का करोगे क्या, अरे साहब, हरियाणा ने अपना खेत बचाने के लिए मतदान किया, खिलाड़ियों ने अपना मैदान बचाने के लिए मतदान किया। अगर कांग्रेस वाले आ जाते ना, खिलाड़ियों के मैदाने हटा के ले जाते, हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा के जवानों ने देश की सीमाओं, देश की सरहद को सुरक्षा देने के लिए कांग्रेस के ऊपर चोट करने का काम किया। मैडम इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और कांग्रेस की बात करोगे ना, कर्नाटका में जाकर देखिए 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 1200 किसानों, किसी की ज़मीनें चुरा ली गई, किसी का कांग्रेस नेता के बेटे ने ज़मीनें हड़प ली। एमएसपी के ऊपर चर्चा नहीं हुई, वहाँ ज़मीन बचाने की चर्चा है। आज हरियाणा के किसानों ने ज़मीन बचाया है, खिलाड़ियों ने मैदान बचाया है। सिर्फ हरियाणा के किसानों ने, आप उनके बात से काफ़ी रूट चुके थे जब वो किसानों की बात पे आए, कांग्रेस पे आए, जब ये कांग्रेस पे आया तो मैं इनके पक्ष में हो गया, क्योंकि कांग्रेस की बुराई, मैं खुद कांग्रेस के खिलाफ रहता हूँ। किससे का खिलाफ रहते हैं? मैं रहने वाला उत्तराखंड नैनीताल का हूँ, मैं रहने वाला, तो हमारा नैनीताल में प्रॉपर बीजेपी चल रही है, आप भी जानते हो और दुनिया जानती है सब कुछ, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे डेली पैसा आ रहा है, उत्तराखंड का हमारा पैसा बहुत आ रहा है, किसान का पैसा भी आ रहा है, किसान सम्मान निधि भी आ रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही इनको कहना चाह रहा था, वही भाई साहब ने बात बताई हुई। मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जगह आपको अखिलेश, नहीं सॉरी, ये उनको आना चाहिए, किनको, योगी जी को आना चाहिए। लेकिन योगी जी ने तो अखिलेश यादव जी को जाने नहीं दिया लखनऊ में, जब वो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, पुलिस लगा दी उनके घर आवास के बाहर। मैडम मेरी बात सुनो, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए ना,
तो आप समझ लो देश का उद्धार हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बिछोड़े जिस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री को वहाँ जाने नहीं दिया, वो बस एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, पिछले साल भी उनको नहीं जाने दिया, इस तरीके का बर्ताव, इतनी सारी पुलिस उनके बाहर आवास में खड़ी कर रहे हैं, आपसे मन मुटाव है वो, अब आपसे मन मुटाव तो राजनीति बन रहा है क्या, इससे अब जो आने वाले चुनाव में असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इससे भाजपा के वोट बैंक पे दिल्ली में चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा मैडम, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा मैडम, इससे वोट बैंक पे कोई मनमुटाव नहीं पड़ेगा। भाजपा ने क्या बेचना किसी को, भाजपा तो सभी अपने अपने काम कर रही है तरीके से, कोई गलत काम आज तक तो हुआ नहीं 2014 से लेके आज तक, ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है, तो जाने क्यों नहीं दिया उनको अखिलेश यादव जी को वहाँ पे? वो तो देखो ये कुछ लोगों के पर्सनल मैटर होते हैं। अखिलेश यादव जो है अभी रली वो एक मजबूत पार्टी का बेटा है और अपनी वो चलाता है, अपनी धमक दिखाता है, जिसको बोलते हैं गुंडागर्दी, साफ बोलता हूँ मैं, दिखाता है वो अखिलेश यादव गुंडागर्दी, गुंडा राज है उसका, अपना गुंडा राज दिखाता है ना वहाँ पे, हाँ तो इसलिए योगी महाराज हैं, योगी महाराज आएंगे तो अपना आप सीधा कर देंगे उसको। योगी जी जो जो योगी जी वो आम नहीं है, आम नहीं है मतलब लोग ये सोचते हैं कि वो एक मतलब कि इन्होंने चोला पहना हुआ है, ठीक है ना, वो सभी की रक्षा कर रहे हैं,